यूएसए का मल्टीपल वीजा क्या है, ये किन किन को मिलता है, क्या क्या जो इसके फीचर होते हैं और इसकी क्या जो है वैलिडिटी होती है, ये सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि सर यूएसए का मल्टी वीजा क्या है, वो कितने दिन का होता है, तो सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो के द्वारा क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और दो इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हमारे अमेरिका यूएसए मल्टीपल वीजा से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि सर उससे हमें बताइएगा, तो मैंने वीडियो बनाई जिसके आपके सारे जितने भी डाउट हैं इस वीडियो के द्वारा क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप, मेरी बस यही आपसे जो है विनती है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट तक देखेंगे तो ये होगा कि आपको यूएसए की जो मल्टीपल वीजा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, वो आज जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको सब पता चल जाएगा क्या जो है ये होता है, क्या जो है इसकी कंडीशन होती हैं, कैसे जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या जो है इसकी फीचर्स होते हैं, सारे आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आप वीडियो की भावनाओं में इतना खो जाते हो कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिएगा, उसको दबाने का ये फ़ायदा होगा इन फ्यूचर में दो भी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो अपलोड करूँगा, वो बाई डिफॉल्ट आपको आपके मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में, जिसमें भी आप यूट्यूब देखेंगे उसके होम पेज पर नज़र आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, देखिएगा यूएसए का जो मल्टीपल वीज़ा होता है, ये मल्टीपल वीज़ा एक तरीके से ये होता है कि ये आपको जो है एक जो यूएस की जो गवर्नमेंट होती है, अगर आप जो है एक जेन्युइन क्लाइंट है, ये B1 B2 की तरह ही होती है। जैसे कि B1 B2 पर आप जो है टूरिस्ट या जो है बिजनेस पर्पज से जाते हैं, तो ऐसे ही जो है ये मल्टीपल भी होता है। लेकिन मल्टीपल में क्या है कि मल्टीपल आपको जो है ये उन क्लाइंट को मिलता है कि जो जेन्युइन होते हैं, जिनका यूएस जाना आना लगा रहता है, बहुत से जो है उनके बिजनेस होते हैं, किसी भी टूर पर जा रहे हैं या जैसे कंपनी के काम की वजह से जा रहे हैं, तो यूएस क्या करते हैं कि यूएस जो है उनको एक तरीके से बार बार उन्हें एम्बेसी ना आना पड़े, एक बार उन्हें 10 साल का वीज़ा दे देते हैं। तो अब यहाँ जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि हम जो है पूरे 10 के 10 साल वहाँ तक रह सकते हैं, जब ये 10 साल का मल्टीपल वीज़ा मिलता है तो हम क्या 10 के 10 साल वहाँ पर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप 10 के 10 साल नहीं रह सकते। आपको आफ्टर 6 मंथ आपकी अपनी कंट्री आना पड़ेगा और फिर दोबारा 6 मंथ के बाद आपको अप्लाई करके फिर जो है जाना पड़ेगा। बस इसमें देखिएगा ये B1 B2 की तरह है, इसमें बस ये है कि आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपको बार बार जो है वहाँ पर वीज़ा स्टैम्प नहीं होती, एक बार ही वो वीज़ा स्टैम्प आपकी कर देते हैं। तो बस आपको जो है जब आपको दोबारा जाना होता है तो वहाँ पर एम्बेसी में रीज़न बताना पड़ता है और बस आपको वो वीज़ा आपको दोबारा नहीं लगता, वही वीज़ा लगा रहता है, बस आपको रीज़न आपको बताना पड़ता है, जिससे कि वो रीज़न आपका जानते हैं। फिर उसकी जो है अगर लगता है आपको कि जो है, पहली तो चीज़ ये है कि जो है इसमें आपको वो मल्टीपल वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता है। आप लोगों को क्वेश्चन पूछे भी जा रहे थे कि हमें एजेंट ये बोल रहा है कि मैं आपका मल्टीपल वीज़ा लगवा दूंगा और इतने पैसे ले लूँगा। प्लीज़ आप इस जो है ज़रा से भी इस चक्कर में ना पड़े, ना ज़रा से इस तरीके से किसी को पैसे देने की आपको ज़रूरत है। आप जो है ये देखिएगा, जो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये जेन्युइन जो क्लाइंट होते हैं, जेन्युइन जो कैंडिडेट होते हैं उनको मिलता है और ये यूएस गवर्नमेंट अपनी तरफ से देती है। किसी को 3 ईयर्स का भी दे सकती है, किसी को 5 ईयर्स का भी दे सकती है, किसी को 10 ईयर्स का भी दे सकती है। अभी डिपेंड करता है उनके काम की वजह से या उनका जो है रीज़न, वो देखती हैं कि आप जो है एक बिजनेसमैन है या कोई आपका कोई आपकी कंपनी आपको बार बार जैसे किसी बिजनेस पर्पज से भेज रही है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। ये सब देखने के बाद ही वो जो किसी को 3 ईयर्स का, किसी को 5 ईयर्स का और किसी को 10 ईयर्स का देते हैं। तो बस आप इस चक्कर में ना पड़े, इस तरीके का आपको क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम एजेंट जो है इतने पैसे ले रहा है और मल्टीपल वीज़ा दे रहा, तो ये इस तरीके से ना किसी को दें, ये जो है यूएस गवर्नमेंट जो है अपने आप अपनी मर्जी से देती है। तो ये बस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, किसी को इस तरीके से पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब ये क्वेश्चन था आप लोगों के, आप पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या हम जब मल्टीपल वीज़ा पर जाते हैं तो हम क्या वहाँ काम कर सकते हैं? तो देखिएगा, आप बिल्कुल वहाँ पर काम नहीं कर सकते, सिर्फ आपका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ आपको पूरा करना है वहाँ और पर्पज़ करके वापस आ जाना है। और यहाँ एक मैं चीज़ की और आपको वजाहत कर दूंगा कि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये नहीं है कि जो है आप जैसे कि 6 महीने के बाद आप वापस आ गए और फिर जो है एकदम से वहाँ पर चले गए, ये नहीं है। वो जो है आपका सारा रिकॉर्ड वहाँ पर रहता है, बायोमेट्रिक आपकी रहती है, रिकॉर्ड उनको मालूम होता है कि आप किस पर्पज़ से पिछली बार आए थे,
और अचानक फिर आपका ऐसा कैसे जाना हो गया, तो पर्पस आपको जो है जो जेन्युइन पर्पस है वो देना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो करेंगे, नहीं तो आपका ये आपका कैंसिल भी हो सकता है अगर आपको उनका पर्पस आपका जेन्युइन नहीं लगा। लेने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ले लग गया है वीज़ा, उसके बाद उनको लगा कि आप जो है अब आपका पर्पस वो नहीं है जो आपने पहले बताया था, तो बाद में भी ये कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी है रीज़न है वो आपको जेन्युइन देना पड़ेगा, और जेन्युइन देकर ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा देखिएगा, पूछ रहे थे कि सर कि हम जैसे कि बहुत से जो है वहाँ पर रह भी जाते हैं, तो वहाँ पर आप 6 मंथ के एक दिन के बाद भी अगर वहाँ रहे हैं तो आप जो है US जाने का ये आपके लिए इलीगल माना जाएगा, तो ये आप ना करें जरा सा भी। 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहती है, 6 मंथ में आपको वापस आना पड़ेगा। अगर आप इस तक करते हुए पकड़े गए तो आपको जो है इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, 3 ईयर्स के लिए आप बैन हो जाएंगे US जाने के लिए। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें जिससे कि आपको इस तरीके की कोई जो है खामियाजा भुगतना पड़े। आपको मैं इसलिए ही मैंने वीडियो बनाया जिसके आपके सारे जितने भी डाउट थे मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन के, सर हमें जो है उसके बारे में बताइए, तो मैंने जो है सोचा एक वीडियो बना देता हूँ और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं एक वीडियो बना करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के द्वारा पूछे गए थे, तो इसमें कुछ और भी क्वेश्चन क्यूरी हैं आपकी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपको और कोई भी जो है इसमें जानना हो, और जैसे कि पूछ रहे थे कि हम जो है क्या क्या जो है इंटरव्यू वहाँ पर फेस होता, तो मैंने उस वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या जो है आपसे वो पूछ सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वहाँ पर, उसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है। जॉब्स की टिप्स एंड टिक्स वाली जो है मेरी जो प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने वो वीडियो डाली हुई है क्या क्या जो है जैसे कि आप अप्लाई कर रहे हैं B1 B2 के लिए या और किसी भी जैसे F1 के लिए J1 के लिए, सारे वीज़ा पर मैंने बनाए हुए हैं USA से रिलेटेड जितनी भी वीज़ाज हैं सबकी मैंने डिटेल बताई हुई है, क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत होती है, तो वो सब मैंने बनाई हुई है। और इसकी भी B1 B2 की भी मैंने बनाई हुई है कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उससे ये होगा कि आप जान जाएंगे और जान करके आप आसानी से वहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा US का जो है बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट है वहाँ पर, अगर आप जो है किसी भी जो वीज़ा पर जा रहे हैं आपको जो जेन्युइन आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो आपको देनी पड़ेगी, और जेन्युइन देने के बाद ही आपको वीज़ा इशू करेंगे, और वीज़ा इशू होने के बाद भी अगर उनको ऐसा लगा कि आपने जो है इन्फॉर्मेशन दी थी वो फॉल्स थी, तो इस तरीके से वहाँ पर ये नहीं चलेगा। तो इसलिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ जाने से पहले देनी है वो अपनी जो है ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है, और ट्रू इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही आपको वहाँ का वीज़ा मिलेगा, वो आप लोगों को जो है आगे जो है एक्सटेंड कर सकते हैं उस वीज़ा पर, या आपको जो भी उनकी जो प्रोसेस है उसमें आपको दूसरी वीज़ा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी मैंने इससे रिलेटेड रखी, आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे थे, तो आई होप जिन व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछा था उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल गया होगा। लेकिन फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी इससे रिलेटेड या और कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है आपकी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको सर इसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपकी जो भी क्वेश्चन क्यूरी है उसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस, तो फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और जो भी आपकी मोबाइल PC लैपटॉप टेक्नोलॉजी या जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसे मैं सॉल्व करता रहूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक, तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब क्लिक कर लीजिएगा, उसका फ़ायदा मैं बता ही चुका हूँ आपको कि जो भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में PC में लैपटॉप में जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो अभी से लाइक कर दीजिएगा, इसको बेल आइकन को दबा लीजिएगा, उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो जो डेली अपलोड करता हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके मोबाइल में PC में लैपटॉप में जिसमें भी यूट्यूब देखते हैं उसके होम पेज पर नजर आ जाएगी और आपको उसका काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों, जितने मेरे व्यूअर सब्सक्राइब हैं सबको अगेन जो मैं सच्चे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हो चुका है, आप लोग इतना कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते रहते हैं वीडियोस। तो प्लीज़ आप फ्यूचर में भी यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे नहीं पता थी, आप लोगों की वजह से ही मैं सीख पाया हूँ। आप लोगों के इतने क्वेश्चन होते हैं तो मैं पहले उनको देखता हूँ, देख करके उनका रिप्लाई करता हूँ। तो प्लीज़ आप उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करें मुझसे पूछा करें जिससे कि मैं आपको उन क्वेश्चन का जो रिप्लाई दे सकूँ। जो लाइव स्ट्रीम है उससे भी जुड़ा करें, उसमें यह होता है कि आपके जो लाइव क्वेश्चन होते हैं मैं लाइव लेता हूँ, उसमें दूसरों के भी अगर वो क्वेश्चन होते हैं तो उनके क्वेश्चन का उनको रिप्लाई वहीं पर मिल जाता है।
तो उस लाइव स्ट्रीम से भी जुड़ा करें आप, और उसमें मुझे बताया करें जो भी आपके क्वेश्चन हुआ करें, जिससे कि दूसरे लोगों को इसका पता चल सके। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी जो है इस चीज़ का पता चले। दूसरे लोग भी अगर मल्टीपल वीज़ा पे उनकी नॉलेज नहीं है, तो वो जो है आसानी से इस वीडियो के द्वारा आसानी से सारे जितने मैंने जो है पॉइंट है वो सारे जान जाएंगे। इससे रिलेटेड जो भी उनके दिल में क्वेश्चन होंगे वो सब उनको मिल जाएंगे। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। फ्यूचर में भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहेंगे और ऐसे वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहेंगे, जिससे कि मैं इन फ्यूचर आप लोगों की ऐसी हेल्प कर सकूँ। टिल देन हैव ए नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।